क्या आप लोग एक फ्यूचर गेमर हो? क्या आप लोगों को आपका चैनल को और ज्यादा बढ़ाना है, और ज्यादा बड़ा यूट्यूबर बनना है, वो भी इन गेमिंग? ये वीडियो पूरा देखते रहे, मैं आपको आज कुछ टिप्स देने वाला हूँ, आप लोगों के काम आने वाला है। तो हाय गाइस, दिस इज सुदीप, वेलकम टू माय चैनल बेस नो क्लास। तो आज हम लोग जानने वाले हैं ये सब टिप्स के बारे में। मैंने कुछ टॉपिक ढूंढ के निकाले हैं और कुछ शॉर्टलिस्ट भी किया है, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ एक एक करके। तो पहला टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। पहला टॉपिक है कि क्या आपको फेस दिखाना ज़रूरत है जब आप गेमिंग करते हो? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप लोगों को इतना अच्छा आपका गेमिंग होना चाहिए, जो भी ऑडियंस आप लोगों का गेम देखने आए वो सिर्फ गेम देख के ही आपको सब्सक्राइब करके जाए, और वो पूरा गेम देखे कि हाँ इतना अच्छा खेल रहा है, चाहे वो कोई भी गेम हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एकदम कोई भी पबजी खेलो या फिर GTA 5 खेलो, वो कोई भी गेम हो सकता है। सी, जितने गेम से सबको कोई ना कोई प्ले करता ही है, तो आप लोगों को वैसे ही करना है कि आप लोग जो भी गेम खेल रहे हो एकदम अच्छे से खेलो, ताकि जो भी ऑडियंस देखने आए और उधर ही वो स्टक हो जाए कि हाँ ये अच्छा खेल रहा है, इससे कुछ सीखने को मिलेगा, या आप लोग उसका ट्यूटोरियल वीडियो भी बना सकते हो। आगे के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आगे का टॉपिक तो बहुत ज़रूरत है कि आपको है ना फ्लुएंटली जो बात कर रहे हो आप लोग वो फ्लुएंटली करना है। बहुत सारे चैनल्स देखे हैं मैंने जो सीरियस भी बात करते हैं गेमिंग में, या फिर कॉमेडी भी बात करते हैं, एंड औरे होते हैं जो गाली गलौज भी करते हैं। सो आप लोगों को सोच लेना है कि आपको कौन सा करना है। सीरियस गेमिंग भी बहुत सारे जन देखते हैं, मैं तो सबके सब टाइप के देखता हूँ, मुझे तो सब कुछ पसंद आता है। मैं जैसे जाता हूँ, कोई सीरियस गेम खेल रहा है तो वो भी देखता हूँ, कोई अगर कॉमेडी कर रहा है वो भी देखता हूँ, कोई गाली गलौज कर रहा है वो भी देखता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑडियंस आपके मिल जाएंगे। तो आप लोगों को पहले लेकिन सोच लेना है कि किस टाइप के आप लोग बनाने वाले हो, क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर समझो कि आपने सीरियस टाइप गेमिंग चालू किया, तो वो जितने भी आपके ऑडियंस है वो वैसे ही खींच के आ जाएंगे कि हाँ ये सीरियस गेमिंग करता है, हम लोगों को इसके पास देखना चाहिए, ताकि हम लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी कोई भी ऑडियंस को समझिए कॉमेडी पसंद है तो वो कॉमेडी के पीछे जाएगा। कोई ऑडियंस को पसंद है कि आप लोग एकदम अच्छा खासा सिनेमैटिक मोंटाज बना रहे हो, वो पसंद आता है। ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होती है, जिसको मोंटाज पसंद है वो आपका जाके देखने नहीं वाला 15-15 मिनट का वीडियो, या जिसको पसंद है फुल गेमिंग देखना वो आपका मोंटाज देखने नहीं आएगा, क्योंकि वो कुछ सीखने आया है और यहाँ पर वो कुछ देखने आया है। तो ये आप लोगों को अच्छे से सोच लेना है। आगे के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जब आप लोग एक नए यूट्यूबर रहते हो, नया गेमिंग चैनल, तो एट दैट टाइम आप लोगों को कोई भी एक गेम के साथ स्टिक होना चाहिए, क्योंकि वही गेम में आप लोग आगे जा सकते हो। सी, पबजी में मत जाओ, कॉज पबजी में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा। कोई और गेम ढूंढो, कंपटीशन कम हो जिसका। वैसे बहुत सारे गेम्स है जो अच्छा भी है, तो उसके ऊपर आप लोग खेलो, उसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, आप लोगों के आपके ऑडियंस मिल जाएंगे। और जैसे ही ऑडियंस मिलेगा उनको पूछो कि उनको कौन सा गेम अच्छा लगता है, तो वो ट्राई करो आप लोग खेलने के लिए। उसके पहले ही वो लोग बता देंगे कि हाँ ये गेम ट्राई करो, वो गेम ट्राई करो, तब जाके ट्राई करो। नहीं तो तुम स्टार्टिंग से ही अपने हिसाब से, आज समझो पबजी डाल रहे हो, कब डाल रहे हो COD, परसों डाल रहे हो GTA 5, उसके बाद डाल रहे हो बैटलफील्ड, उसके बाद डाल रहे हो आप फार क्राई डाल रहे हो, उसके बाद जस्ट कॉज डाल रहे हो, तो वो देखते देखते लोग फुल कंफ्यूज, बोला क्या देखे तो देखे क्या, गेम प्लेस क्यों देखते हैं लोग? ताकि कुछ सीखने को मिले, राइट, उनको सीखने को मिले। तो इसके हिसाब से आप लोगों को भी सोचना है। मतलब मैं खेल रहा हूँ ऐसा नहीं, आप लोगों को सिखाने के हिसाब से खेलना है। जैसे मैं अपना वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, राइट, मैं मेरे लिए नहीं बनाता कि हाँ भैया मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये बताता हूँ आप लोगों को कि ये करो ये करो ये करो, ऐसा करो वैसा करो, तो आप लोगों के शायद अच्छा काम भी आ सकता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक तो बहुत ज़रूरी है कि पैसा कब आएगा। गाइस, पैसा पैसा मत जाओ, क्योंकि सी यूट्यूब एक बहुत बड़ा समुंदर है, फटाक से इतना जल्दी आपके पास ये नहीं होता है, टाइम लगता है। अगर आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तो एक दिन में आप लोग फेमस हो सकते हो, नहीं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ 100% होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। आप लोगों का कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत 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 काम करता है, कंसिस्टेंसी प्लस आपका जितना भी क्वालिटी है जो भी है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया, अगर आपको देखना है तो हमेशा ऐसा आई बटन में लिंक है, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी रखो आप लोग, और डेली अच्छे गेमिंग के वीडियो बनाओ। लाइक एक ही गेम जो भी मैंने बोला उसके ऊपर वीडियो बनाओ, बस आप लोग आगे जाओगे। पैसा आएगा, उसके ऊपर सब्र रखना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में घुस के ही पैसा आ जाएगा, हाउ टू मेक मनी, आराम से आएगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है हम लोग के जो हेटर्स होते हैं, बहुत सारे हेटर्स होते हैं जो आके गाली बकने लगते हैं, वो ह्यूमन नेचर है, हम लोग एक दूसरे के पास जाके गाली बकने लगते हैं। उसके बाद ये आपके ऊपर आ जाता है कि आपको क्या स्टेप लेना है, क्या आपको भी उसको गाली देना चाहिए, क्या उसको अच्छे से समझा देना चाहिए,
या उसके ऊपर भड़क जाना चाहिए या हाँ मैं तुझे देख लूंगा, ये कौन सा करना चाहिए आपको? आपको क्या लगता है? ये तो बहुत जरूरी स्टेप है, आप लोग कौन सा लोगे? आप लोग जल्दी जल्दी कॉमेंट कर दो, मैं आपको एक 10 सेकंड का पॉज लेने वाला हूँ। अगर मैं रहूंगा मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से बात करूंगा उसके साथ, भाई तेरे को पसंद नहीं आया तू मत देख, या मैं इसको बताऊंगा कि पसंद नहीं आया मेरे दूसरे वीडियो देख ले, ताकि अगर तेरे को पसंद आ गया तो, या फिर दूसरे के दूसरे दूसरे वीडियो एक दो वीडियो और चेक कर ले, फिर भी वो नहीं माना तो उसको निकाल देंगे। एक ही चीज़ है, उसको ब्लॉक कर दो, बस एक ही चीज़ है। हम लोग यूट्यूब पर आके झगड़ा नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, वो भी यूट्यूब एल्गोरिदम के पास जाता है, वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है यूट्यूब एल्गोरिदम की, हाँ ये सबसे ऐसा झगड़ा वगड़ा कर रहा, तो उससे नहीं करना चाहिए। तो बस यही 5 टॉपिक था मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए गेमिंग टिप्स के हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, और लाइक कर देना ये वीडियो को। अगर आप लोग ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम लोग कनेक्टेड हो सकते हैं, बात बात कर सकते हैं। आप लोगों का चैनल वाला चेक करना तो वहाँ पर भेज दीजिए, मैं श्योर चेक करूँगा, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन श्योर मैं कर दूंगा। बस गाइज आज के लिए इतने रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वेट रिल एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे गाइज, आई सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।